नमस्कार, मेरे साथ में है श्रीमती रविता सिरोही। हाँ। और कहाँ से? बंगाल, कलकत्ता। मेरठ से नहीं है, बंगाल से नहीं, कलकत्ता से है। अच्छा, आप दोनों में से मेरठ के कौन है? आप और आप कहाँ की? गाजियाबाद की। और रहते कहाँ है? कलकत्ता। शादी होकर कलकत्ता चले गए। अच्छा, कलकत्ता चले गए। तो मैं ये इतनी एक्साइटमेंट और इतनी हंसी इसीलिए है क्योंकि जो सोच कर आए थे उससे ज्यादा मिला, उससे ज्यादा है ना। और क्या क्या इनको मिला, तो घुटना और कमर। मैं यह चीज शेयर करना चाहूंगा कि आदमी जब दुखी होता है तो खाने वाली चीजें खा नहीं सकता, सोने वाली चीज पर ठीक से सो नहीं सकता, नींद नहीं आती, कितना ही महंगा क्यों ना आप बिस्तर मंगा लें, और कितनी जगह पर भी घूमने चले जाएं, आपके भाई पहाड़ों पर जाना है, लेकिन अगर आपके घुटने साथ नहीं देते तो वो पहाड़ पहाड़ जैसे नजर आते हैं, डबल पहाड़ नजर आते हैं। इवन एक सीढ़ी भी, घर की एक सीढ़ी भी पहाड़ नजर आती है। और कमर का हाल तो ये है कि बड़ी बढ़िया सी कार खरीद के दे दी जाए, नई नई ले जाए, चलो और कमर दर्द हो तो वो कार बेकार नजर आती है ना। सही बात। तो इसीलिए मेरे साथ में रविता जी और उनके हस्बैंड श्रीमान जी, आप दोनों यहाँ आपसे शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि जो यह तकलीफ थी वो क्या थी और किस प्रकार का ठीक किया। अभी बहुत सारी चीजें बता रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं, सबको बताओ है ना क्या क्या कठिनाइयां थी, तो वो आप शेयर करें। कहाँ कहाँ दिक्कत थी? कब्ज था कई साल, दसियों साल से भी ज्यादा हो गया, तो कभी पेट क्लियर नहीं होता था बिना चूर्ण दवाई के। और मेरे को फर्स्ट डे में आए, उस अगले दिन से मैंने कोई चूर्ण, कोई काढ़ा, कोई दवाई नहीं ली। हो गया क्लियर? मतलब अभी सुबह जो मॉर्निंग होती है वो हैप्पी गुड मॉर्निंग होती है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्या बात है। और यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो एक दो बार थोड़ा दर्द थोड़ा ऐसे बढ़ा, लेकिन तुरंत ही उसमें राहत आ गई। राहत आ गई। एक दिन वो कम होता चला। तो क्या क्या कहाँ कहाँ दर्द था ये तो बताओ? घुटने में आर्थराइटिस थी। और तो उसके कारण क्या नहीं कर पाती थी? उसके लिए बस मुड़ जमीन में नहीं बैठ पाती थी, कुछ चलने में थोड़ा असुविधा होती थी, और ये गर्दन भी पकड़ी हुई थी। इसमें सुबह उठती थी तो बहुत दर्द, और खा नहीं पाती, उल्टी जैसा लगता, और अभी मैं खा भी पा रही हूँ और मैं सो भी पा रही हूँ। और आप बोले कि हाथ गर्दन के नीचे नहीं रखना, तो मैं नहीं रखती हूँ। अच्छा। तो मैं 80% पर मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं विश्वास के साथ आई थी। अच्छा, और चीजें भी तो बताओ क्योंकि कई चीजें तो आप भूल ही गई हैं। मैं तो विश्वास के साथ आई थी कि मैं वहाँ ठीक हो जाऊंगी, इस विश्वास से आई थी, तो मेरा विश्वास जीत गया। जीत गया। यहाँ कलकत्ता में रह रही थी, ये तो दिल्ली है। टिकट बना के पापा को वहाँ से इनको लेकर आए। अच्छा, ऐसा हुआ है। तो ये रोज मतलब बार बार फोन करती थी कि मेरा ये तकलीफ हो रही है? नहीं, बराबर ही बोलती थी। बीच में ये बेंगलोर भी गई थी तो वहाँ पे इन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया, सब पीठ कमरे पे। मैंने तो आपको दिखाया एमआरआई करवाई, एमआरआई वालों ने मुझे बोला इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट और कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम आपको दवाई दे, थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, हमारे पास कोई इलाज नहीं, और अब ये थोड़ी सी दवाई दे, देखो कुछ रिलैक्स आपको होगा, बाकी इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, ऐसा साफ मैंने कर दिया। ये क्या होस्टमेट हॉस्पिटल में मैंने अपना एमआरआई करवाया, एमआरआई सब करवा, आपको रिपोर्ट भी मैंने लाके दिखाई है, तो डिस्क बल्ज हो गई, उन्होंने ये कहा, और इसको बोले ये आज से नहीं बहुत सालों से है, ये उन्होंने कहा मुझे। ठीक है भाई, मैं वहाँ जाऊंगी, मेरी वहाँ लास्ट उम्मीद है मेरी। आपने कितने दिन थेरेपी कराई कुल? मैंने यहाँ पे 15 दिन कराई, दो दिन करके, बोले एक महीने का ट्रीटमेंट है। एक महीने का ट्रीटमेंट किया है ना, और एक महीने के ट्रीटमेंट में अब मैं सब अपना फीडबैक दे के आया। कहाँ रह गए? थोड़ा बहुत कहीं रह गए, थोड़ा बहुत है, जैसे ये गर्दन वाला। चलो ये मानेगी नहीं, कहेंगे मेरा ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी ठीक करा दो। चलो ठीक करते हैं, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये कैसे ठीक करना है? कहाँ है हाथ लगाओ, दर्द कहाँ है? ये यहाँ दर्द है ना। चलिए बोलो ठीक हो जा, ठीक हो जा, ऐसे करो गर्दन, वेरी गुड, ऐसे करो गर्दन, वेरी गुड, आगे करो गर्दन,
वेरी गुड, ऊपर करो गर्दन, वेरी गुड, थैंक यू सर, अब बढ़िया हो रहा है। यहाँ चलिए बताओ क्या हाल है गर्दन का? आप ये कहेंगी क्योंकि इन्होंने कहा कि थोड़ा ये रह गया तो भी अच्छा चला, ये भी क्लियर कर दिया। तो घर पे कुर्सी आसन करना, लेकिन हाँ मैं आपको भी और बाकी सबको भी कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। ध्यान करना, जब इनके जैसी कंडीशन, आज इन्होंने 15 दिन थेरेपी ली और 15 दिन थेरेपी में ये इनके हिसाब से 90%, मेरे हिसाब से 70% ठीक हो गई और इनके हिसाब से 100% ठीक हो गई, क्योंकि वो बार बार फोन नहीं करेंगे तो मस्त रहेंगे। मैंने क्यों 70% रखा, इन्होंने 90% क्यों बताया? मैं कभी भी पेशेंट से कमी रखता हूँ। पेशेंट कहता है 40% ठीक हुआ तो मैं कार्ड पर 30 लिखता हूँ, क्यों? और ठीक करने का स्कोप अपने पास रखता हूँ कि और इसको ठीक करूंगा, इसीलिए मैंने थोड़ा कम रखा। लेकिन ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ट्रीटमेंट लेकर कोई व्यक्ति जाए तो ठीक हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए, घर पर जाकर भी कुछ दिनों तक कुछ परहेज करने चाहिए। खाने पीने की चीजें हैं, खट्टी चीजें नहीं खानी है, कड़ी राजमा चावल उड़द की दाल अरबी भिंडी फूल गोभी मटर बैगन कटहल ये नहीं खाना है, घुटने की तकलीफ है तो दही थोड़े दिन तक नहीं खाना है, ज्यादा काम नहीं कर लेना है, अगर ज्यादा काम तुरंत कर लिया तो फिर आ जाएगा, क्यों? अभी अभी तो लेंटर डाला है और पानी लगाया है, तो जो कि सपोर्ट में चीजें खड़ी है उनको खड़े रहने देना, हटा मत लेना, तभी तो स्टैंड रहेंगे। अगर आपने उनको हटा लिया, अब मान लो 25 दिन के बाद लेंटर हटाना था और आपने वो जो बलिया हटानी थी आपने हटा दिया 10 दिन के बाद, तो गिर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन झोल आ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए सपोर्ट ट्रीटमेंट के बाद भी महीने भर तक रहनी चाहिए। और साथ ही साथ उम्र बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में खराबी आती है, और जब शरीर में खराबी आती है तो शरीर रिपेयरिंग भी मांगता है। हम यूज तो वैसा ही करते हैं जैसा हम 35 साल की उम्र में करते थे, हैं 60 साल के, लेकिन उसको रिपेयरिंग हम नहीं देते, तो बीच बीच में न्यूरोथेरेपी की रिपेयरिंग या आरोग्य पीठ आके कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो जब आप बीच बीच में आते रहेंगे ठीक होते रहेंगे तो जो अगले 100 साल तक की, क्योंकि शरीर की जो गारंटी है वो कितने साल की है? 100 साल की। जो इसकी एक्सपायरी डेट है बॉडी की वो 100 साल है, तो 100 साल तक जीना है तो उसके लिए जरूरी है टाइम टू टाइम रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं जिससे कि आप ठीक होते हर चीज के लिए तो मेंटेनेंस करा करेंगे चलेगा। तो अब आप अपने विचार लोगों को क्या बताएंगे, शेयर करो, क्या कहेंगे लोगों को? ये बोलेंगे कि भाई जब जब कोई तकलीफ आनी शुरू होती है तो तुरंत ही आप उनके पास जाओ, पहले तो शुरुआत में आ जाओ, क्योंकि उतना बढ़ा मत रोग को, पहले उसको पता ही नहीं था, बड़ा पुराना नहीं होना चाहिए रोग, तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो थोड़ा आदमी और ज्यादा चलेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ज्यादा जिएगा। ठीक, तो ये बहुत महत्व की बात उन्होंने बताई कि अगर आपके रोग की शुरुआत है तुरंत पकड़ लो, बढ़ाओ मत, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। मेरे बेटे को गैस्ट्रिक है, मैं तो उसको अभी बोलूं जब छुट्टी पड़े तो भले 2 बार में जाकर करा दे, लेकिन भैया अपना ट्रीटमेंट करा ले। चलिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ मेरा एक कहना है कि आप घर में किसी को सिखाइए भी, अगर कोई सीख गया, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी सीख गया तो सीखने के बाद घर में ही आपके साथ ऑनलाइन में सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे? ऑनलाइन ही ऐसा है? हाँ, ऑनलाइन में, ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल, यही तो मैंने किया, मैंने ये ऐसा दिया है कि आप दुनिया के 7 समुद्र दूर क्यों ना सही, आप वहीं पर सीख जाओ और वहीं इलाज करना शुरू करो। यूएस में सर आपका कहीं कुछ है? ऑनलाइन तो यूएस में भी, ऑनलाइन यूएस में भी, तो कहीं भी जाए। तो बस मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आप आए और आपने ट्रीटमेंट लिया और ठीक हुए। नींबू का रस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं ले सकते, पर घिया की सब्जी में डालकर लेना ज्यादा अच्छा। नहीं मैं ऐसे ही लेती थी तो मेरा बीपी कंट्रोल रहता, मुझे बीपी की कोई कई महीनों से कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मैं नींबू लेती थी। ले लो, वो बैंगलोर में बोले थे डॉक्टर लोग, ले वो लेते तो मुझे कोई मतलब बॉडी में उससे पेन कहीं नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ वाले बोले मत, नहीं अब आप नींबू ले सकते, नींबू ले। ठीक है, तो हम सबका हृदय से धन्यवाद। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा
आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट, पर याद रहे यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।